नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारमेश्वरी ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चंद्र पर्वत के शुभ प्रभाव। कहते हैं ना चंद्र पर्वत हमारे जीवन में क्या क्या विशेषताएं दिखाता है, क्या क्या प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए सबसे पहले चंद्र का पर्वत देखते हैं। हमारे हाथ में ये चंद्र का पर्वत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं। चंद्रमा का पर्वत विशेषकर हमारे जीवन में बड़ा रोल है। यह हमारे यात्राओं के बारे में बताता है, हमारी परचेज करने की क्षमता क्या हो है उसके बारे में बताता है, यह हमारे बोलने की जो शक्ति है उसके बारे में बताता है, और ये अच्छी सोच और समझ को बताता है। और ऐसे लोगों की विदेश की यात्राएं अवश्य होती है। अगर आपका चंद्र का पर्वत मजबूत है, उसके ऊपर कुछ सुप्रभाव है, तो ऐसे लोगों के जीवन में देखें तो आप अवश्य विदेश की यात्राएं भी करते हैं। और एक चीज यहां पर हम और आपको बताएं, ऐसे लोग माता के बड़े दुलारे होते हैं, माता के बड़े प्यारे होते हैं, उस स्थिति को और मजबूत करती है। अगर ये आपका चंद्र का पर्वत मजबूत है, उठा हुआ है और एक उभार लिए हुए हो, अगर ऐसी स्थिति है तो आप कुंडली में भी देखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव शुभ ही होगा, या अपने घर में होगा या अपने दोस्त के घर में होगा। तो आज इसी का विचार करते हैं, किसके ऊपर शुभ का प्रभाव क्या कहता है। ये तो मन को खुश रखता है, ऐसे लोग देखें तो बड़े खुश मिजाज के होते हैं, और ऐसे लोग देखें कल्पनाशील होते हैं, लंबे और गहन विचारों के अध्ययनशील कहे जाते हैं। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को अगर देखे जीवन में, अगर यहां पर एक सीढ़ी बन जाए, आज हमने शुभ प्रभाव की बात की है, अगर एक सीढ़ी बन जाए ये काफी शुभ प्रभाव देती है, काफी अच्छा गेन देती है लाइफ में। ऐसे लोगों को जीवन में सफलताएं इनके कदम चूमती है। आज का वक्त कैसा है, लेकिन वक्त बदलने में समय नहीं लगता, ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा शुभ साइन है। इंसान अपने एक पौड़ियों को क्रॉस करते करते उस जीवन के अपने उस उद्गम को प्राप्त कर लेता है, अपने मन की भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपार धन की उपलब्धि प्राप्त होती है। और इसी के ऊपर अगर एक हम त्रिकोण बने, ऐसे लोगों को आज वक्त कैसा भी है, लेकिन ऐसे लोगों को विदेशों से बड़ा विदेश जाकर या विदेश की यात्रा करके या विदेश से जुड़े हुए कारोबार करके ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक धन भी कमाते हैं। और इसी के ऊपर एक शुभ साइन और है, जिसको कि हम कहते हैं यहां पे स्टार, ये स्टार है। अगर आप चंद्रमा के पर्वत पे स्टार है तो आप समझ लो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से एक विशेष इनाम मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके अच्छे आचरण के लिए। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।